ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਿੰਡੀ ਉਹ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ।
बाई जी हेलो पिछे आ जाओ भाई पिछे आ जाओ इधर इधर आ जाओ यार आ जाओ भाई 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 सतीश सिंह फूल चेयरमैन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब अज जिहड़ा लगभग पौने दो महीनों तो हरियाणे के बार्डर से किसानों का दिल्ली सरकार के खिलाफ अंदोलन चल रहा उस अंदोलन जिहड़े चला रहे हैं दोनों ही मोर्चे किसान मजदूर मोर्चा पंजाब अते SKM नॉन पोलिटिकल वालों जो मोर्चा चल रहा उहदे वालों यह सद्दा है भी अज सारे सूबों के जिले हैडकुआटर से कट्ठे हो के जो इस अंदोलन दौरान सरकार ने तशद्दुद किया साढ़े नौजवानों से तशद्दुद किया उन्होंने जेलों से डकया उन्हां दीआं FIR भी 0 FIR दर्ज कीतीआं ये जिहड़ा मेन मंग है जिहड़ी इहनू प्रदर्शित करन दी खातर इहनू सारे पंजाब दे विच सारे सूबों च उभारन दी खातर अज सद्दा दिता जिहड़ा तशद्दुद दी गल करदे हो पहली गल तो असीं कहिंदे आ भी जिन्हां ते केस भी बनाए आ उह भी केस भी झूठे है कोई शांतमई किसान दिल्ली नूं जा रहे सी कोई किसानां ने रोड जाम नहीं किया जिहड़े ब्लॉक किए आ सड़कां हरियाणे तो जिहड़ियां पंजाब तो हरियाणे विच दी दिल्ली नूं जाण वालियां सड़कां वो जो ब्लॉक कीतियां ने कंधां कढ़ियां ने सीमेंट दीआं वो सरकार ने हरियाणा सरकार ने बंद करके लोगों की आवाजाई बंद की है किसानों ने कुछ नहीं किया इस करके किसानों पर जोड़ा केस भी बनाए है वो झूठे है उदू भी अगली गल है जोड़े हरियाणे के नौजवान किसान है जिन्होंने नवदीप सिंह जलवेड़ा जोड़े कि वाटर कैनन बॉय के तौर पर सारी दुनिया के चर्चित है जिन्हों का ना जिन्होंने हरियाणा सरकार दानी वाली तोपा के मूँह मोड़े से पहले दिल्ली अंदोलन के दौरान उन्होंने पंजाब दे विच्चों मोहाली दे विच्चों हरियाणा सरकार ने चक के थाने च लैके गए ने CAA स्टाफ है जिहड़ा हरियाणे का उहदे च लैके गए ने उदू अगली गल है भी पुलिस हिरासत के दौरान जिहड़ा गैर मनुखी तशद्दुद किया तू सारा कुछ दस देगा तेरे नाल कोई माड़ा सलूक नहीं किया जाऊ तेरा पूरा सत्कार किया जाऊ तेनू इत्थे मेहमान वांगू रखा जाऊ तू आप दे आप दसेंगा पर उन्हें कहा भी गल इत्थे नहीं रहनी उदू बाद तुसी कहोगे भी जिहड़े ट्रैक्टर है इत्थे खड़े है जिहड़े लगभग 1000 तो उपर ट्रैक्टर शंभू बार्डर से वो ट्रैक्टरां दे मालक कौन है वो ट्रैक्टर किहड़े पिंड दे आ फिर तुसी इत्थों तिकर भी जाओगे सो जिहड़ा तुसी तशद्दुद करना जिहड़ा कोई कुटमार करनी है मैनू पुट्ठा लमकाउणा मेरे हड्ड तोड़ने तोड़ लो मैं नौजवान है जे मैं अज झुकूंगा कल नूं किसे नौजवान ने अंदोलन च नहीं आना अब चो चक्किया उहनूं इस करके पंजाब सरकार का बनता से भी जो वे तशद्दुद किया थर्ड डिग्री टॉर्चर किया मेडिकल रिपोर्ट करवा के हरियाणा सरकार से पुलिस से केस कराने का बनता पर इन्होंने कुछ नहीं किया उन्हों का परिवार हाईकोर्ट च गया हाईकोर्ट ने हुण कहा भी उन्होंने जेल चो लिया के PGI के लियाओ चंडीगढ़ PGI के मेडिकल करवाओ तो जो भी वो टॉर्चर के है निशान उन्हों की रिपोर्ट दो तो वो आधार से कार्रवाई करो सानू जे दिल्ली जान नहीं दिता हुण उन्होंने पिंडा च आना साडा नारा बन नहीं देने पिंडी हो जान नहीं दिंदे दिल्ली जो जिन्होंने सानू दिल्ली नहीं जान दिता उन्होंने असी पिंडा च नहीं बन देवे बढ़ के दिखाओ उन्होंने भुलेखा है बई असी उन्हों दी लत्तां भी तोड़ लिया असी उन्होंने बोरिया च पा के कुट भी लिया असी थर्ड डिग्री टॉर्चर भी कर लिया तो भी साडा पिंडा दे विच साडा सहयोग किया जाऊगा साडा सन्मान किया जाऊगा बिल्कुल उन्होंने पिंडा दे विच बन नहीं देना तो उन्हों का जो सलूक उन्होंने सानू दिल्ली जाण तो रोकया उही सलूक दे हकदार है ये भुलेखे च रहन भरम च ना रहन वह भी साडा सानू फुल विछाए जाणगे साडा सत्कार किया जाऊगा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दास सुखजिंदर सिंह खोसा सूबा प्रधान भारतीय किसान यूनियन खोसा देखो अज असी जिहड़ा ये रोस मार्च सीगा मोदी सरकार के पुतले फूकने सी
ये जिहड़ा अज दा साडा 7 तरीक दा प्रोग्राम बनाया सी ये गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा ते KMM किसान मजदूर मोर्चे वालों ये दोवां फोरमां वालों सांझा जिहड़ी साडी लड़ाई चलदी आ। देखो जिहड़ी ये असीं 12 फरवरी नूं घरां तों निकले सी ते 13 फरवरी नूं जिहड़े असीं बार्डर घेर ले सी जिथे असीं दिल्ली कूच दा नारा दित्ता होया सी और दिल्ली जा के असीं सरकार नूं जिहड़ियां सरकार ने मनियां होईयां मंगां सी उहनां नूं लागू करवाउण दे लई जिहड़ा असीं संघर्ष विढ़िया सी। क्योंकि जे मैं गल करां जदों असीं संघर्ष सस्पेंड कीता सी उदों जिहड़ियां मंगां सी जिवें MSP दा गरंटी कानून ते बिजली सोध बिल C2+50% दा जिहड़ा किसानां दी आमदन दुगनी करनी उहदा फार्मूला मोदी सरकार ने कहा सी किसानां दी आमदन दुगनी करांगे। ये तिन्नां असीं मुद्दियां नूं लै के लड़ाई जिहड़ी हुण लड़ी आ ते असीं उह मोदी सरकार तों ये लागू कराउण चले सी जिथे जिहड़े मोदी सरकार ने हरियाणा सरकार ने जिहड़ा सानूं बार्डरां ते बहुत वड्डी बैरीगेटिंग करके उत्थे ही रोक लिया। जदों सानूं रोक लिया जदों असीं शांतमई तौर ते अगे जाण नूं कहा ते उत्थे उहनां ने साडे किसानां ते अथरू गैस दे गोले मोर्टर बंब ते सिद्धियां गोलियां ते इक प्लास्टिक दीआं गोलियां चलाईआं जिहदे विच सैकड़े जिहड़े किसान आ साडे उह पट्टड़ होए ने। जे मैं 21 फरवरी की गल करां जदों शांतमई तौर ते प्रोटेस्ट कर रहे किसान सी भी असीं दिल्ली कूच करांगे हले असीं ना ही लिया सी दिल्ली जाण दा ना कि बार्डरां नूं छेड़िया सी। दास भी उत्थे मूहरे सी जिहड़ा शुभकरण सिंह उत्थे इक पासे ते खड़ा नारे ला रहा सी ते जै सरकार ने गुंडागर्दी करके सिद्धियां गोलियां मारियां ते नाल ही मोर्टर बंब ते नाल ही जिहड़े अथरू गैस की एड्डी जहरीली गैस जिहड़ी दुश्मन नूं मारन वास्ते वरती जाती आ जिहड़ी किसानां ते वरती गई। अज असीं इस मोदी सरकार नूं भाजपा सरकार नूं दसण वास्ते भी जिहड़े साडे किसान हरियाणा 'च डिटेन किए ने कुछ फड़ के अंदर दिते गए ने उहनां नूं बिना शर्त रिहा कराउण लई अज असीं टोटल सारे भारत दे विच जिहड़ा अज 7 तरीक नूं पुतले उसाड़न दा जिहड़ा प्रोग्राम बना के चले आ अज असीं इह मोदी सरकार नूं जगाउण वास्ते और मोदी सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे ने उहनूं दसण बाबत भी असीं उहनां चिर तुहानूं पिंडां 'च नहीं वड़न देणा जिन्नी देर तक किसानां दीआं मंगां लागू नहीं हो जांदियां सरकारां मन नहीं लैंदियां ते जिहड़े साडे फड़े होए किसान आ उह रिहा नहीं कीते जांदे ते जिन्नी देर तक असीं जिहड़ा शहीद शुभकरण सिंह जिहड़े पूर्णियां ते सानूं दस के गए ने मंगां मनाउण लई ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ 12 ਨਾ 12 ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਦਾਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਰਾਮਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ जो पास होया शंभू बार्डर से खनौरी बार्डर के उपर उन्हां दी काल दे उपर अज पूरे देश भर दे विच इह मोदी दे BJP सरकार दे पुतले फूके जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा दे विच्चों साडे नौजवान वीर वाटर कैनवर रणदीप जनवेड़ा जी और उन्हां दे नाल गुरकीरत जी होर साथियों नूं फड़ के जेलां विच बंद किया होया बिना वजह तो, क्योंकि वह भी किसान अंदोलन दे विच किसान दे पुत्र होने के नाते एक बड़ियां वधिया सेवावां निभा रहे सी और उन्होंने चक के जेल 'च डक्या होया उन्होंने छुड़ाउण वास्ते और दूजा बॉर्डर के उपर पानी का प्रबंध ना होना बॉर्डर के उपर बिजली का प्रबंध ना होना और बॉर्डर के उपर टॉयलेट्स का प्रबंध ना होना इन्हों पर भी असी ये वड्डी पद्धर ते पूरे देश भर के जिहड़े ने वो मोदी BJP सरकार के पुतले फूके गए हैं। इस परों इस कड़ी के तहत अज मोगे दे विच असी सारे आगू 4 जथेबंधियां जो उस फॉर्म के नाल संबंध रखदियां ने उन्हां वल्लों कत्तर हो के मेन चौंक तो बाजार वाले पासे नूं जा के और गांधी रोड थानी आ के इस थां ते असी एकत्र हो के प्रचार किया। उस तो बाद DC दफ्तर से जाके असी जिहड़े ने वह मोदी सरकार के भाजपा सरकार के जिहड़े पुतले फूकने हैं तुहाडे इस माध्यम के राही असी लोगों नूं अपील करना चाहुंदे आ भी किसी भी पिंड दे विच किसी भी BJP के आगू वर्कर जां किसी कैंडीडेट नूं नहीं वड़न देना जो मर्जी हो जाए जथेबंदियों के आगू समान ते जथेबंदियां नाल खड़ियां होईयां ने। अगली बेनती जिहड़े सैलोज ने बने हुए 12 पूरे पंजाब दे विच जिस तरह नेड़े आ डगरू बनिया होया एक किसी भी किसान ने अपनी कणक की ट्राली लैके उत्थे नहीं जाना अपनी कणक तुसीं इन्हां मंडियां विच वेचो आढ़तियों के राही वेचो क्योंकि
2 अप्रैल नूं जिहड़ा आगू साहिबानां ने ऐलान कीता सी असीं कि असीं 7 तरीक नूं पूरे देश दे विच आम आदमी पार्टी दे बीजेपी सरकार दा पुतला फूकांगे। पर इस कड़ी दे तहत नाल दी नाल भगवंत मान ने यू टर्न लैंदिया होया जिहड़ियां 26 मंडियां भंग कीतियां सी। इस तों इलावा सैलो ते 9 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਰਾੜ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 26 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੇਗਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਗੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 10 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 22 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।